हेलो माय यूथ फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? गाइस अभी हम लोग छठ पूजा के लिए जा रहे हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा है बापू घाट। सुबह का समय है और ये भगना राम लोग एंजॉय कर रहे हैं, जिंदगी का मजे ले रहे हैं। भगना राम लोग, भतीजा राम लोग, आयुष इधर देख लो कैसा लग रहा है बाबू। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ, कल तुम लोग बहुत अच्छे से कर लिए। गाइज आज है छठ का डे टू, मतलब अर्घ, सुबह अर्घ का टाइम है और अभी हम जाएंगे उगते हुए सूरज को अर्घ देंगे। तो सूरज सुबह 6:10 पर निकलेगी। हम पहले से फ़ोन पे देख चुके थे तो इसलिए हम लोग उस हिसाब से अपने घर से निकल चुके हैं। तो घर जाके घाट पे जाके हम लोग डाला सजाएंगे। डाला सजा के उगते हुए सूरज, जब सूरज उगेंगे तो हम उनको अर्घ देंगे और शाम में ढलते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। तो हम सनातन धर्म में यही है कि हम उगते हुए सूरज की भी पूजा करते हैं और डूबते हुए सूरज की भी पूजा करते हैं। तो हमें बहुत गर्व है कि हम बिहारी है। तो गाइस देखिए, ये छोटू बाबू है, ये भी सोच रही थी मैं कहाँ जा रही हूँ। तो चलिए गाइस, वीडियो में बने रहें और हम घाट पे जाके अपना बहुत अच्छे अपना ये छठ का फेस्टिवल आप लोगों से शेयर करेंगे। फ्रेंड, ये हम प्रिंसप घाट जा रहे हैं तो रास्ते में कुछ इस तरह के रास्ते हमें मिलते हैं जो काफ़ी हरियाली रास्ता है और हम अपने फैमिली के साथ छठ पूजा में जा रहे हैं मॉर्निंग के अर्घ देने के लिए। तो आइए आपको हम अपने फैमिली के एक एक मेंबर से भी मिलाते हैं। और आपको ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये रोड जो है माँ फ्लाईओवर के बाद पार्क स्ट्रीट के आसपास का इलाका है और ये काफ़ी पॉश एरिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दीदी भी बैठी हुई है और हमारी वाइफी भी बैठी हुई है, भाभी जी लोग भी बैठी हुई हैं और हमारी दो दीदी हैं और भतीजा भगना सब यहाँ पे बैठे हुए हैं गाड़ी के अंदर। और गाइस आप देख सकते हैं हम प्रिंसप घाट में इंटर कर चुके हैं और यहाँ से छठ पूजा की वो खुशबू, वो फीलिंग स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि आप चारों तरफ जितने भी गाड़ी देख रहे हैं सब वो छठ पूजा के श्रद्धालु वो बुक करके आए हुए हैं। तो अब बहुत ही जल्द हम घाट पर पहुँचने वाले हैं। यहाँ आकर हम देखें कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और हमने अपना डेस्टिनेशन यहाँ पे रोका। अब हमने डिसाइड किया कि अब हम इस घाट पे इस तरफ से हम अर्घ देंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं सब लोगों में उत्साह काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है सबको। और ये दीदी लोग जो हैं और भाभी जी लोग जो हैं सब लोग मिलके यहाँ पे घाट पे, ये आप देख सकते हैं ये हुगली ब्रिज है, यहाँ पर जो है तैयारी की जा रही है अर्घ देने के लिए, डाला सजाया जा रहा है। तो आशा करते हैं कि छठ पूजा का ये ब्लॉग आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। गाइज आपको पता है कि छठ का जो ये महापर्व क्यों मनाया जाता है और सबसे पहले किसने मनाया था, तो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, मुझे थोड़ा थोड़ा जानकारी है। तो छठ पूजा सीता माँ और राम जी ने मनाया था सबसे पहले, जब राम जी वनवास से वापस आए थे रावण का हत्या करके, तो उनको सिंहासन में बैठना था क्योंकि सिंहासन की वजह से ही वो वनवास गए थे। तो इसके चलते जब वो वापस आए तो फिर से उन्हें अपने सिंहासन में, अपने जो सिंहासन है, जो प्रजा को संभालने के लिए एक राजा बनाया जाता है, तो जब राम जी को राजा बनाया जाने के लिए सिंहासन में बैठाया जा रहा था तो उनके ऊपर एक रावण हत्या का एक आरोप था जिसको हटाने के लिए सीता माँ ने 4 दिन का व्रत रखा था और सीता माँ के साथ राम जी ने भी 4 दिन का व्रत रखा था। तो सीता माँ और राम जी ने सबसे पहले छठ का व्रत रखा, उसके बाद से ही छठ का पर्व स्टार्ट होता है। तो ये फेस्टिवल इसलिए मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये स्टोरी ज़रूर बताइएगा और आपको पता है कि नहीं ये भी बताइएगा, और अगर कुछ गलत है तो माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए हमारा ये छठ का फेस्टिवल देखिए और इन्जॉय करिए। फ्रेंड, जैसा आप देख सकते हैं हम अभी कोलकाता के प्रिंसप घाट में आए हैं और इसके बाद जो आपको ब्रिज दिखता है ये विद्यासागर सेतु भी कहा जाता है, जो हुगली नदी के ऊपर बना हुआ है। और यहाँ पे बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, अगर कोई किसी वजह से गलती से डूब रहा है तो उसके लिए यहाँ पे नाव वगैरह रखा गया है और यहाँ पे सीढ़ी टाइप बनाया हुआ है। देखिए, यही है विद्यासागर सेतु भी बोला जाता है, ये हमारा हुगली नदी है। तो गाइस, हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था और जिस तरह का यहाँ पे उत्साह था लोगों के अंदर छठ पूजा को लेकर, उसको देखकर हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आ रही थी जिस तरह से सूरज उग रहा था। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, काफ़ी मज़ा आया छठ पूजा के दिन और आज आखिरी दिन था
और हमने बहुत ही अच्छे से मना लिया छठ पूजा। अब आप लोग बोल दीजिए कुछ। हम लोग को फोटो लेना है। अच्छा फ्रेंड, हर बार की तरह इस बार भी मेरा पोपट कर देती है सबके सामने ये लोग। और चलिए खैर इन सब बातों को छोड़ते हैं, और अब अर्घ का जो सेरेमनी था वो हो चुका है। अब हवन किया जा रहा है और धूप जलाया जा रहा है। और ये छठ पूजा और ये जो छठ पूजा है ये हम लोग बचपन से मनाते आए हैं, बचपन से अपने घर पे देखते आए हैं। तो छठ पूजा को लेकर हमारे अंदर एक अलग ही तरह का फीलिंग से जुड़ा हुआ है। बचपन से देखते आ रहे हैं छठ पूजा का ये जो दृश्य आप देख पा रहे होंगे अपनी आँखों के सामने, ये काफ़ी जितना आप फ़ोन पे देख पा रहे इससे कई गुना ज़्यादा जब हम अपने आँखों से देख रहे थे तो ये दृश्य हमारे आँखों को बहुत ही लोभित कर रहा था और एक अलग ही तरह का हमें मंजर दिख रहा था। तो गाइज़ अगर आप भी छठ पूजा करते हैं और आप भी कोलकाता में रहते हैं तो ज़रूर प्रिंसप घाट या बाबू घाट के पास आके ही आप अर्घ दें। एक अलग ही तरह का आपका जो छठ पूजा का जो कार्यक्रम है वो मंगलमय तरीके से पूर्ण होगा। तो चलिए मिलते हैं। बस काफी मजा आया। अब पूजा समाप्त होता है और अब हम लोग यहाँ से बाबू घाट से जा रहे हैं, बाकी इन सब घाट से चलिए। फ्रेंड जैसा आप देख सकते हैं करीब 5 किलोमीटर तक लोगों का इतना सारा रस था यहाँ पे, और 5 किलोमीटर तक गाड़ी ही गाड़ी दिख रही थी जिसमें भर भर के श्रद्धालु यहाँ छठ पूजा के पावन शुभ अवसर पे यहाँ पे आए थे अर्घ देने के लिए। तो हमें भी अच्छा लग रहा था कि हमारे कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में इतने सारे बिहारी और यूपी और झारखंड के लोग हैं जो छठ पूजा करते हैं। तो अच्छा लगता है कि इतनी जनसंख्या है हम लोगों की यहाँ पूजा करने से हमें इस तरह का अनुभव हो रहा था। तो चलिए गाइस आप थोड़ा इन्जॉय करिए रास्ते को और वीडियो के अंत तक आप बने रहें, काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत सारे मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ आप इसमें देखने को मिलेगा इस ब्लॉग में आपको। सेकेंड छठ का